इराक में प्रतिरोधी समूह इसराइल के लिए गले की एक ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा। पहले इजरायली सेना ने इराक के भीतर प्रतिरोधी समूह के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद इसराइल पर इराक से हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि इराक का प्रतिरोधी समूह इसराइल के खिलाफ मैदान में खुलकर आ गया है और वो फोर फ्रंट पर खेल रहा है। दरअसल हाल ही में इराक के प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के एलर्ट बंदरगाह पर IDF के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन इस हमले से इसराइल उबर पाता उससे पहले ही इराक से इसराइल पर एक और बड़ा हमला हुआ। यह हमला ऐसा है जिसे इसराइल को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। दरअसल इराक के प्रतिरोधी समूह ने 3 मई 2024 को इसराइल की राजधानी तेल अवीव में मोसाद के ग्लिलॉट इंटेलिजेंस सेंटर पर एक ड्रोन हमला किया है। ये बिल्डिंग इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक प्रमुख ठिकाना है। तेल अवीव के अलावा इसराइल के दक्षिणी बेरशेबा शहर में भी मोसाद के अब्राहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक इराक से इसराइल पर जितने भी हमले हुए हैं उनमें से ये हमला सबसे बड़ा है, क्योंकि अब इराक के प्रतिरोधी समूह के सीधे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुंह में हाथ डाल दिया है। लेकिन इसराइल के खिलाफ इस लड़ाई में अब बहरीन के प्रतिरोधी समूह भी कूद पड़े हैं। बहरीन से पहली बार इस्लामिक रेजिस्टेंस अल अश्तर ब्रिगेड ने इसराइल की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले किए हैं। ये कंपनी इसराइल में सड़क यातायात की जिम्मेदारी संभालती है। यह हमला इसराइल के ट्रकनेट में हुआ है। आपको बता दें कि ट्रकनेट अल रशरा में स्थित है, जो एलर्ट शहर का हिस्सा है। आपको यह भी बता दें कि बहरीन की अल अश्तर ब्रिगेड ने कहा है कि उसने यह हमला 27 अप्रैल 2024 को किया था, और अब अल अश्तर ब्रिगेड ने ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ बहरीन में गोलाबंदी करेगा। यहां तक कि बहरीन के इस संगठन ने इस हमले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें इसराइल की शिपिंग कंपनी पर हमला किया गया है।